आज है 1 जुलाई और आज की वीडियो में हम पूरे महीने के जून के 1 तारीख से लेके 30 जून तक जितने भी इम्पोर्टेंट, जी हाँ इम्पोर्टेंट हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं, वही इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो हमारी ये वीडियो देखने के बाद आपको YouTube पर दूसरी कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं रहेगी और साथ साथ में आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा सेव होगा क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को ही अपनी वीडियो में शामिल किया है, तो कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप रिविजन कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू कर लेते हैं इस महीने के मोस्ट इम्पोर्टेंट हरियाणा करंट अफेयर्स की वीडियो। वीडियो पर आगे चलने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप हमारी इस वीडियो को पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हैं तो रेट यहां पर आपको दिख रहे हैं। 1 महीने की पीडीएफ 20 रुपये, 6 महीने की 60 और 1 साल की 100 रुपये मिल रही है। आपको इसे खरीदना कैसे है, आपको सिर्फ स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर पेमेंट करनी है और उसका सक्सेसफुल स्क्रीन शॉट आपको इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर सेंड कर देना है, जिसके बाद पीडीएफ फाइल हम आपको खुद व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो वीडियो नहीं देखना चाहते हैं, डायरेक्ट पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं। जो स्टूडेंट्स वीडियो देखने में इंटरेस्ट रखते हैं वो वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिए, आपको पीडीएफ खरीदने की जरूरत नहीं रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है कि शिक्षकों की स्किल डेवलपमेंट के लिए हरियाणा में कौन सी योजना शुरू की गई है, तो ये की गई है निपुण हरियाणा मिशन। निपुण हरियाणा मिशन के तहत शिक्षकों को शिक्षा से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो यहाँ पर काफ़ी सारे जो नियम हैं वो लागू किए गए हैं, काफ़ी सारी घोषणाएं की गई हैं और बताया गया है कि स्कूलों के अंदर क्या क्या नई चीज़ें लगाई गई हैं। तो वीडियो को पॉज करके आप इनके बारे में अच्छे से डिटेल से पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया गया, इसकी थीम क्या रखी गई। इसकी थीम रखी गई थी पर्यावरण की रक्षा करें। तो विश्व जो तंबाकू दिवस है वो 31 मई को बनाया गया है, इसको अच्छे से आपको ध्यान रखना है और स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिवस बनाया जाता है और तंबाकू से होने वाले जो जो नुकसान होते हैं शरीर को उसके बारे में लोगों को जागरूक भी किया जाता है। वैसे तंबाकू की जितनी भी चीज़ें होती हैं, गुटखा वगैरह या फिर बीड़ी सिगरेट, तो उनके पैकेट पर भी आजकल लिखा आता है कि ये ना खाएं, आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रहती है, इससे कैंसर भी हो सकता है, लेकिन फिर भी लोग मानते नहीं हैं। खैर चलिए वो अलग बात है, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा के किस शहर से हर घर नर्सरी मुहिम की शुरुआत की गई है, तो ये की गई है बहादुरगढ़ से। एसोसिएशन की ओर से फिलहाल हर घर नर्सरी मुहिम यह जो है ये चलाई जा रही है। इसके तहत लोगों को बताया जा रहा है कि वे अपने घर में किसी तरह से बीज इकट्ठे कर सकते हैं। इन बीजों को एसोसिएशन लोगों से ले लेगी, हम बीज इकट्ठा करेंगे, यानी कि जो एसोसिएशन के लोग हैं वो बीज इकट्ठा करेंगे और उनको संरक्षित करेंगे, बरसाती सीजन में उनकी रोपाई कर देंगे। जब बीजों से पौधे निकलेंगे तो लोगों को ये गोद में दिए जाएंगे। पौधे बड़े होने पर लोग हमें वापस भी दे सकते हैं ताकि पेड़ बनने तक उनका संरक्षण किया जा सके। इसका मकसद लोगों को हरियाली से जोड़ना है। इसके बाद हाल ही में किसे हरियाणा उच्चतर शिक्षा परिषद के नए वाइस चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा को। हरियाणा उच्चतर शिक्षा परिषद को नए वाइस चेयरमैन के रूप में प्रख्यात शिक्षाविद डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा मिले हैं। इनकी फोटो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हैं कैलाश चंद्र शर्मा। प्रोफेसर कैलाश चंद्र शर्मा हरियाणा की मदर यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 4 वर्षों तक कुलपति के पद पर रह भी चुके हैं। इसके बाद है, हाल ही में हरियाणा की कौन सी लड़की हरियाणा की ब्रांड फेस बनी है, तो ये बनी है हिमान्या। जी हाँ हिमान्या। कैथल की 3 साल की नन्ही बेटी हिमान्या ने कम उम्र में कैथल जिले के साथ पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया है। इनकी फोटो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मात्र 3 साल की हैं। इसमें देश भर से 3 से 17 साल आयु वर्ग के किड्स मॉडल्स ने अलग अलग डिजाइन थीम्स पर अपना टैलेंट दिखाया। इस शो के पिछले संस्करण इंडिया लिटिल फैशन हंटर्स 4 में कैथल की रहने वाली हिमान्या को पीपल्स चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट लाइन है वही मैं आपके लिए लेके आया हूँ, तो हर लाइन को आपको बारीकी से ध्यान से दोहराना है और याद करके रखना है। इसके बाद है, हरियाणा के किस जिले के रहने वाले पर्वतारोही नरेंद्र ने 6 दिन के भीतर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है, तो ये क्या है, रेवाड़ी के रहने वाले पर्वतारोही नरेंद्र ने। हरियाणा के रेवाड़ी जिले के कोसली क्षेत्र के नेहरूगढ़ निवासी पर्वतारोही नरेंद्र ने 6 दिन के भीतर दुनिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट फतेह कर एक बार फिर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। नरेंद्र ने अपने इस एवरेस्ट अभियान का नाम आज़ादी का अमृत महोत्सव
फास्टेस्ट एवरेस्ट अभियान 2022 रखा है। इसके बाद है, हाल ही में हरियाणा के 21 लड़के को मिस्टर ग्लैम इंडिया 2022 का खिताब मिला है, तो ये मिला है संजीव कुमार को। हैदराबाद में संपन्न हुई मिस्टर ग्लैम इंडिया प्रतियोगिता में शाहबाद के संजीव कुमार, आप फोटो में देख सकते हैं ये हैं संजीव कुमार, इन्हें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इस प्रतियोगिता के अंदर 1750 युवकों ने भाग लिया था और अंतिम राउंड के अंदर 24 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। इससे पहले 2019 में उन्होंने मिस्टर दिल्ली एनसीआर का खिताब भी जीता था। उसके बाद मिस्टर यूपी 2022 का खिताब भी इन्होंने अपने नाम किया था। तो काफ़ी सारी उपलब्धि इन्होंने हासिल की हुई है। आपको इनका नाम याद रखना है, संजीव कुमार, मिस्टर ग्लैमर इंडिया 2022 का खिताब जीता है। इसके बाद है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहली बार कितने पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है, तो ये किया गया है 5 पारंपरिक जो खेल हैं उनको शामिल किया गया है। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में पहली बार 5 पारंपरिक खेलों को, जिसमें तो यहाँ पर आपको इन खेलों को भी याद रखना है, क्योंकि कई बार एग्जामिनर क्या करता है कि 3 जो आंसर हैं वो ठीक दे देता है, 1 आंसर गलत दे देता है और पूछा जाता है कि इनमें से किस खेल को शामिल नहीं किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, गतका, कलारी पयट्टू, थांगता, मलखम्ब और योगासन, इनको शामिल किया गया है, तो इनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के चौथे संस्करण में देश भर के लगभग 8500 खिलाड़ी, कोच और सहयोगी स्टाफ भी भाग लेंगे। खिलाड़ी कुल 1866 पदकों, जिनमें से 544 स्वर्ण हैं, 545 रजत हैं, 545 स्वर्ण, 545 रजत और 786 कांस्य पदक शामिल हैं, इनके लिए अपने जौहर दिखाए जाएंगे। ये खेल पंचकुला, अंबाला, शाहबाद, चंडीगढ़ और दिल्ली में आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद है, हरियाणा के किस जिले की रहने वाली प्रियंका हरियाणा हैंडबॉल टीम की कप्तान बनी है, तो ये बनी है चरखी दादरी की रहने वाली प्रियंका। गांव झज्जू कला निवासी अर्जुन सिंह की सुपुत्री प्रियंका ने खेल के क्षेत्र में अपने गांव का नहीं पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। तो यहां पर आप इनकी फोटो देख सकते हैं, काफ़ी कम उम्र की हैं। प्रियंका ने सब जूनियर नेशनल, जूनियर नेशनल, सीनियर नेशनल, फेडरेशन कप, इंटर यूनिवर्सिटी, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल भी प्राप्त किए हैं। केरल में 2015 में हुए नेशनल गेम्स में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता हुआ है। इसके बाद है, दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में खेलो इंडिया गेम्स 2021 की चल रही साइकिलिंग प्रतियोगिताओं के मुकाबले में किसने हरियाणा को पहला स्वर्ण पदक जिताया, तो ये जिताया वृंदा यादव ने, वृंदा यादव ने पहला स्वर्ण पदक जिताया है। इसके बाद है, विश्व और एशियाई चैंपियनशिप की पदक विजेता सरिता मोर ने WW रैंकिंग सीरीज बोले तुर्की खानो कप में 59 यानी कि 59 भार वर्ग में कौन सा पदक अपने नाम किया है, तो ये किया गया है स्वर्ण पदक इनके द्वारा नाम किया गया है। मनीषा का यह सीनियर स्तर पर पहला अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण है। इसके अलावा मनीषा ने 65 भार वर्ग में यह खिताब जीता, तो फोटो में आप इन्हें देख सकते हैं, ये हैं मनीषा। इन्होंने अजरबैजान की इसलिए मोनोलोवा को फाइनल में हराया, उन्होंने इसी साल अप्रैल में एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक भी जीता था। इसके बाद है, हाल ही में किसे राजस्व एवं आपदा प्रबंधक विभाग का विशेष सचिव, जो विशेष सचिव है उसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है डॉक्टर शालिनी को। हरियाणा सरकार ने IAS डॉक्टर शालिनी को चिकित्सा शिक्षा एवं शोध विभाग के निदेशक पद से हटा दिया गया है। उनकी स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से नहीं बन रही थी। सूत्रों के अनुसार चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन चल रही काउंसलिंग में भ्रष्टाचार के आरोप पर कड़ी कार्रवाई न करने को लेकर उनका जो तबादला है वो किया गया है। उन्हें अब राजस्व एवं आपदा प्रबंधक विभाग का विशेष सचिव लगाया गया है। इसके बाद है, हाल ही में किसे आयुष्मान भारत हरियाणा स्वास्थ्य सुरक्षा प्राधिकरण के CEO का अतिरिक्त जिम्मा सौंपा गया है, तो ये सौंपा गया है प्रभजोत सिंह को। जी हाँ, प्रभजोत सिंह को। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के निदेशक विजय सिंह दहिया ने छुट्टी पर जाने के कारण सरकार ने खाद्य एवं आपूर्ति व उपभोक्ता मामले विभाग का अतिरिक्त कार्यभार IASA श्रीनिवास को सौंपा है। वह हरियाणा डेयरी विकास सहकारी फेडरेशन के प्रबंधक निदेशक का जिम्मा पहले की तरह ही देखते रहेंगे। इसके बाद है, अहिंसा विश्व भारती संगठन किस शहर में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित करेगा, तो ये करेगा गुरुग्राम के अंदर। अहिंसा विश्व भारती संगठन गुरुग्राम हरियाणा में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित करेगा। यह केंद्र दुनिया में शांति और सद्भाव की स्थापना के लिए काम भी करेगा। इसके बाद है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महिलाओं की बैडमिंटन एकल प्रतियोगिता में हरियाणा की किस लड़की ने गोल्ड मेडल हासिल किया है, तो ये क्या है, उन्नति हुड्डा ने। हरियाणा के रोहतक की रहने वाली उन्नति हुड्डा ने वर्ल्ड के चौथे नंबर की रैंकिंग वाली खिलाड़ी तस्नीम मीर को हराकर यह गोल्ड मेडल हासिल किया है।
फोटो में इन्हें आप देख भी सकते हैं। पंचकुला में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महिलाओं की एक बैडमिंटन एकल प्रतियोगिता में उन्नति हुड्डा ने तस्नीम मीर को 2-1 से मात देकर यह मेडल अपने नाम किया। इसके बाद है, हाल ही में हरियाणा के किस शहर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हॉकी स्टेडियम का निर्माण किया गया है? तो ये किया गया है शाहबाद के अंदर। शाहबाद जैसे छोटे से कस्बे में जहां खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए करीब 15 करोड़ रुपए का बजट खर्च करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉकी स्टेडियम का निर्माण किया गया, वहीं इस स्टेडियम में यूथ गेम्स के मैचों की शुरुआत भी की गई है। इसके बाद है, हरियाणा के किस जिले की कैप्टन अभिलाषा बड़क देश की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर बन गई हैं? तो ये बनी है रोहतक की रहने वाली अभिलाषा। तो गांव बालदू की रहने वाली कैप्टन अभिलाषा बड़क देश की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर बनी है। तो इनकी फोटो मैं आपको दिखा देता हूं। ये हैं गांव बालूदा की रहने वाली कैप्टन अभिलाषा बड़क। इसके बाद है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले की बेटी सविता ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जीता है रोहतक की रहने वाली बेटी सविता ने। गांव के खेत की मिट्टी में कभी कुश्ती की शुरुआत करने वाली रोहतक जिले के गांव पिलाना की बेटी सविता ने करीब 6 साल पहले गांव की लड़कियों के साथ खेत की मिट्टी में ही कुश्ती खेलना शुरू किया था। कुश्ती कोच मनदीप ने उनकी प्रतिभा को तराशा और 2017 में अंडर 14 आयु में 46 किलोग्राम भार वर्ग में सविता ने स्कूली नेशनल खेलों में गोल्ड मेडल जीता। अब सविता ने खेलो इंडिया में 61 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। इसके बाद है, हरियाणा के निशानेबाज मनीष नरवाल को चिट्रॉक्स 2022 के कितने मीटर एयर पिस्टल इवेंट में स्वर्ण पदक मिला है? तो ये मिला है 10 मीटर एयर पिस्टल जो इवेंट है इसके अंदर। हरियाणा के निशानेबाज मनीष नरवाल को चिट्रॉक्स 2022 के 10 मीटर एयर पिस्टल में यह स्वर्ण पदक मिला है। इसके बाद है, हरियाणा के किस जिले में 21 जून को राज्य स्तरीय योग दिवस आयोजित किया जाएगा यानी किया गया? तो ये किया गया था भिवानी के अंदर। 21 जून को पूरे देश में बनाए जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को हरियाणा सरकार के द्वारा भिवानी राज्य में राज्य स्तरीय योग दिवस के रूप में बनाया गया। स्कूली बच्चों के अलावा इसमें नेहरू युवा केंद्र, एनजीओ, एनसीसी के वॉलंटियर जो मुख्य हैं वो भी इसके अंदर शामिल हुए थे। तो 21 जून को ये बनाया गया था भिवानी के अंदर। ये मेन चीज़ है, आपको ध्यान रखनी है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में हरियाणा के आशीष ने वेलिंगटन में कितने किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जीता गया है 102 kg के भार वर्ग के अंदर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में हरियाणा के आशीष ने वेटलिफ्टिंग में 102 किलोग्राम भार वर्ग में प्रदेश के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया है। आशीष ने कहा कि यह 3 साल की कड़ी मेहनत का परिणाम इस मेडल के साथ ही हरियाणा 33 गोल्ड लेकर पदक तालिका में नंबर 1 पर बरकरार है। इसके बाद है, हरियाणा के 21 जिले की रहने वाली स्नेहा पूजा ने 65 किलो भार वर्ग में कबड्डी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो ये क्या है, जींद की रहने वाली पूजा ने। पंचकुला में हो रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किसानों की बेटियों ने लोहा मनवाया। 65 किलो भार वर्ग में कबड्डी प्रतियोगिता में गोल्ड जीतने वाली हरियाणा की टीम की हिस्सा रही गांव करसिंधु की खिलाड़ी स्नेहा व पूजा ने पूरे राज्य का नाम रोशन किया। इसके बाद हाल ही में प्रोफेसर रणपाल किस यूनिवर्सिटी के नए VC बने हैं? तो ये बने हैं CRSU के नए VC। DAV कॉलेज साढ़ौर से रिटायर प्रिंसिपल प्रोफेसर रणपाल को चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय का VC नियुक्त किया गया है। तो इनकी फोटो मैं आपको दिखा देता हूं। ये हैं प्रोफेसर रणपाल सिंह चौधरी। इसके बाद है, हरियाणा के किस माह को मलेरिया रोधी माह के रूप में बनाया गया? तो ये बनाया गया जून महीने को मलेरिया रोधी माह के रूप में। स्वास्थ्य विभाग ने जून माह को मलेरिया रूपी माह के रूप में बनाया। इसका उद्देश्य मलेरिया बीमारी पर नियंत्रण करके लोगों के जीवन की रक्षा करना था। इसके बाद है, अंबाला में बनने वाले शहीदी स्मारक का उद्घाटन कब किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दिसंबर 2022 को। आज़ादी से पहले स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी मेरठ से नहीं बल्कि 10 घंटे पहले हरियाणा के अंबाला कैंट से उठी थी, ऐसा इतिहासकारों का मानना है, जो धीरे धीरे हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों तथा देश के विभिन्न हिस्सों तक फैल गई थी। स्वतंत्रता संग्राम की इसी गाथा को दर्शाने के लिए अंबाला कैंट में करीब 300 करोड़ रुपए की लागत से 22 एकड़ जमीन पर एक भव्य शहीदी स्मारक भी बनाया जा रहा है। इस शहीदी स्मारक का दिसंबर 2022 के दूसरे या फिर तीसरे सप्ताह में उद्घाटन किया जाएगा। इसके बाद है, हाल ही में किसे लाइफ टाइम सेवा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया डॉक्टर SK महाजन व डॉक्टर KK महाजन को। लायंस क्लब डिस्ट्रिक्ट 221A3 शाखा ने प्रोफेसर डॉक्टर SK महाजन और प्रोफेसर डॉक्टर KK महाजन दंपत्ति को लाइफ टाइम सेवा अवार्ड से सम्मानित किया है।
दोनों ही पूर्व में रोहतक मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर रहे हैं। यह पुरस्कार उन्हें हरियाणा को दी गई उत्कृष्ट सेवाओं के लिए दिया गया है। इसके बाद है, हाल ही में किसे वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है डॉक्टर अनिशा महाजन को। डॉक्टर अनिशा महाजन को एनीमिया उन्मूलन के क्षेत्र में उच्च स्तरीय सेवा हेतु वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड प्रदान किया गया। लॉयंस क्लब ने पूर्व प्रांत जिला राज्यपाल लॉयंस सुशील खरीट्टा के नेतृत्व में दंपत्ति को हिसार जाकर यह सम्मान किया। इसके बाद है, हाल ही में किस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर दीपक कौशिक को रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया है, तो ये नवाजा गया है एमडीयू के रहने वाले प्रोफेसर को। फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए एमडीयू के फार्मास्यूटिकल साइंसेज विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर दीपक कौशिक को फार्मास्यूटिकल रॉयल इंटरनेशनल सोसाइटी ने रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा है। हाल ही में 11 जून को रॉयल इंटरनेशनल सोसाइटी ने राष्ट्रीय सम्मेलन में डॉक्टर दीपक कौशिक को फार्मास्यूटिकल्स नैनो टेक्नोलॉजी और कैंसर चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए यह प्रतिष्ठित पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इसके बाद है, 2022 का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम किस थीम पर आधारित होगा, तो ये होगा इंसानियत के लिए योग थीम पर। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि 2022 का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम इंसानियत के लिए योग थीम पर आधारित होगा, जिसमें आयुष विभाग के अलावा स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, खेल विभाग, पुलिस विकास एवं पंचायत विभाग तथा स्थानीय शहरी निकाय NHM व सभी प्रमुख सामाजिक संस्थाओं व नेहरू युवा केंद्र को शामिल किया जाएगा। इसके बाद है, हरियाणा के 21 जिले में महिलाओं के लिए छात्रावास बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा हिसार के अंदर। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने 14 जून को संत शिरोमणि सदगुरु कबीर साहिब की 624वीं जयंती पर हिसार में आयोजित भव्य कार्यक्रम में सदगुरु कबीर साहिब जी की प्रतिमा का अनावरण किया तथा मुख्य द्वार सहित अन्य विकास कार्यों का उद्घाटन भी किया। इस दौरान उन्होंने हिसार में महिलाओं के लिए छात्रावास बनाने के लिए भी घोषणा की। इसके बाद है, हाल ही में हरियाणा के 21 व्यक्ति को आर्ट एक्सीलेंस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है डॉक्टर विकास शर्मा को। इंटरनेशनल आर्ट गैलरी अजंता एलोरा, इंडिया गांधी संशोधन संस्थान, नॉलेज इज पावर औरंगाबाद महाराष्ट्र और क्वालिटी ब्रांड्स इंडिया ने नेशनल क्रिएटिव आर्ट प्रतियोगिता आयोजित की। इसमें देश भर के क्रिएटिविटी एक्सपर्ट्स से नेचर, सोशल, डिजिटल, रिलीजन, पर्यावरण, विज्ञान, इंजीनियरिंग, हेल्थ, फैड न्यूट्रिशंस, आर्ट व टेक्नोलॉजी जैसे विभिन्न विषयों पर क्रिएटिव व इनोवेटिव वर्क को आमंत्रित भी किया। अंतिम राउंड में निर्णायक मंडल ने DPS हिसार के डॉक्टर विकास शर्मा की साइंस इज कॉम्प्लिकेटेड बट इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड को साइंस कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ इनोवेशन विजेता भी घोषित किया। इसके बाद है, हाल ही में हरियाणा के सिंचाई विभाग ने बेहतर तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है, तो ये किया गया है इजराइल के साथ। इस समझौते के अनुसार सतबीर सिंह कादिया ने बताया है कि 2030 तक संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रत्येक व्यक्ति तक साफ पानी पहुंचाने का लक्ष्य दिया है। इस लक्ष्य को केवल वही प्राप्त कर सकेगा जो पानी का बेहतर प्रबंध भी कर सकेगा। इसके बाद है, हरियाणा में अब मुख्यमंत्री निवास को किस नाम से जाना जाएगा, तो ये जाना जाएगा संत कबीर कुटीर के नाम से। देश के इतिहास में पहली बार हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री निवास को एक ऐसे महापुरुष का नाम मिला है जिन्होंने न केवल सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी बल्कि जातिगत व्यवस्था का भी कड़ा विरोध किया था। यह निवास है हरियाणा के मुख्यमंत्री का चंडीगढ़ स्थित सरकारी आवास और वे महापुरुष थे संत कबीरदास जी। तो फोटो में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री हरियाणा जो निवास है इसके ठीक ऊपर संत कबीर कुटीर लिखा हुआ है। तो ये सब ढोंग पट्टी बस हरिजनों का वोट लेने के लिए किया जा रहा है, बस और कुछ भी नहीं है। जो घोषणा 12 जून को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रोहतक में संत कबीरदास जी की जयंती पर किया था उसे 14 जून को पूरा कर दिया और मुख्यमंत्री निवास के बाहर कुटीर की पट्टिका लगा दी गई, तो एक फॉर्मेलिटी पूरी कर दी गई है। खैर चलिए, इसके बाद है, हरियाणा के किस व्यक्ति को इंटरनेशनल फिटनेस आइकॉन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा दीपक छल्लर को। शहर के नागरिकों को दौड़ने के लिए प्रेरित करने वाले दीपक छल्लर को उत्तर प्रदेश वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर से इंटरनेशनल फिटनेस आइकॉन अवार्ड 2022 देकर सम्मानित किया जाएगा। उन्हें इससे पहले भी अनेक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी मिल चुके हैं। तो फोटो में आप देख सकते हैं यही है दीपक छल्लर। हरियाणा के 21 जिले में चंडीगढ़ की तर्ज पर राज्य का पहला एयर प्यूरीफायर टावर लगाया जाएगा, तो ये लगाया जाएगा हिसार के अंदर। यह प्यूरीफायर चंडीगढ़ की तर्ज पर हिसार के महाराजा अग्रसेन चौक पर लगाया जाएगा। इसके बाद हरियाणा के किस जिले में 8.5 किलोमीटर लंबा एक एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा हिसार के अंदर।
हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, इन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार लोगों की सुविधा के लिए हिसार में भी 8.5 किलोमीटर लंबे एक एलिवेटेड रोड का निर्माण करवा रही है, जिसकी लागत 681 करोड़ रुपये आएगी। इसके बाद है, हाल ही में हरियाणा की किस महिला को पावरफुल वीमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है प्रियंका सौरभ को। तो यहाँ पर आप फोटो में इन्हें देख सकते हैं, यही है प्रियंका सौरभ। 21 जून को बनाए जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हरियाणा के किस जिले में बनाया गया? तो ये बनाया गया भिवानी के अंदर। तो ये क्वेश्चन हमारा शायद पहले हो चुका है मुझे लगता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर इस बार 21 जून को भिवानी में राज्य स्तरीय योग दिवस समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि थे। राज्य स्तरीय योगा डे कार्यक्रम में करीब 10,000 योग साधकों ने एक साथ हिस्सा लिया था। इसके बाद है, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने किस देश में हो रहे खेलों में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और इसको तो आपको बिल्कुल रट्टा मार के रखना है, ठीक है। फिनलैंड के अंदर आयोजित टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड जीतने वाले भारत के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा ने अब फिनलैंड में हो रहे कुओआतात खेलों में भी गोल्ड मेडल जीत लिया है। उन्होंने 86.89 मीटर का थ्रो फेंककर गोल्ड अपने नाम किया। नीरज ने पहले 86.89 मीटर का थ्रो फेंका था और इसके आसपास भी कोई खिलाड़ी नहीं पहुंच पाया। नीरज त्रिनिदाद एवं टोबैगो के केशोर्न वोलकाट और ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स से आगे रहे। नीरज का अगला लक्ष्य है वर्ल्ड चैंपियनशिप और कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतना है। वर्ल्ड चैंपियनशिप अमेरिका में 15 से 24 जुलाई के बीच आयोजित किए जाएंगे, वहीं कॉमनवेल्थ गेम्स 28 जुलाई से 8 अगस्त के बीच बर्गिम के अंदर आयोजित होने हैं। तो इन चीज़ों का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। हाल ही में हरियाणा की किस IHM ने कनाडा और स्विट्जरलैंड के साथ MOU साइन करने का फैसला लिया है? तो ये है कुरुक्षेत्र IHM ने। IHM कुरुक्षेत्र के प्रिंसिपल अतुल शुक्ला ने कहा है कि पर्यटन विभाग हरियाणा सरकार के अंतर्गत वर्ष 2008 से कार्यरत IHM कुरुक्षेत्र के विद्यार्थी अब कनाडा और स्विट्जरलैंड में होटल मैनेजमेंट के कोर्स पर जो है वो कर सकेंगे। इसके लिए संस्था के चेयरमैन एवं प्रधान सचिव हरियाणा सरकार MD सिन्हा के नेतृत्व में कनाडा और स्विट्जरलैंड के साथ MOU भी होने जा रहा है। इसके बाद हाल ही में हरियाणा के किस लड़के को रोल ऑफ ऑनर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है राजेंद्र दुखड़ा को। राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा के विद्यार्थी राजेंद्र दुखड़ा को सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल ने यह अवार्ड देकर सम्मानित किया है। इसके बाद हाल ही में हरियाणा सरकार ने किसे सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक एवं सचिव का कार्यभार सौंपा है? तो ये सौंपा गया है PC वीणा को। हरियाणा के गाँव सुडान की बेटी ने ढाका में NDE परीक्षा पास कर देश की पहली लड़की बन गई है। तो कौन सी बेटी है? इस बेटी का नाम है शनैन, ठीक है। तो हरियाणा में रोहतक जिले के गांव सुडाना की बेटी शनैन ढाका देश में NDE परीक्षा पास करने वाली देश की पहली लड़की बन गई है। तो आप फोटो में देख सकते हैं, सरकार के NDE में लड़कियों को प्रवेश देने की घोषणा के बाद हुई परीक्षा में देश भर से शनैन समेत केवल 2 लड़कियों का चयन हुआ है। शनैन लड़कियों में पहले स्थान पर रही हैं और ओवरऑल में उन्होंने 10वीं रैंक प्राप्त की है। इसके बाद है, 67वें रेलवे सप्ताह पर उत्तर रेलवे महाप्रबंधक ने किसे 7 व्यक्तिगत व 7 संयुक्त शिल्ड से सम्मानित किया है? तो ये क्या है, गुरिंदर मोहन सिंह को। 6 अप्रैल 1853 को मुंबई और ठाणे के बीच पहली रेल के चलाए जाने के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे 67वें रेलवे सप्ताह पर उत्तर रेलवे महाप्रबंधक ने अम्बाला मंडल के DRM गुरिंदर मोहन सिंह को 7 व्यक्तिगत व 7 संयुक्त शिल्ड से सम्मानित किया। साल 2021-22 में अम्बाला मंडल के विभिन्न विभागों के उत्कृष्ट योगदान के लिए ये सम्मान दिया गया है। इसके बाद है, हाल ही में हरियाणा पुलिस ने अपराधियों पर नज़र रखने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है ईगल ऐप। ईगल नाम से हरियाणा पुलिस के द्वारा ऐप लॉन्च किया गया है। पुलिस विभाग ने इसका ट्रायल भी शुरू कर दिया है। यह ऐप प्रत्येक पुलिस कर्मचारी के मोबाइल में इंस्टॉल किया जाएगा, जिसके द्वारा किसी भी संदिग्ध व्यक्ति का चेहरा स्कैन करते ही उसका पूरा डाटा सामने आ जाएगा। इस ऐप से अपराधी के नाम, पता, फोटो, अपराध व उसके अंगूठे के निशान से उसकी पहचान आसानी से जो है वो की जा सकेगी। इसके बाद है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के किस जिले में डॉक्टर सोनू फोगाट के द्वारा लिखी गई पुस्तक अष्टांग योग का विमोचन किया है? तो ये किया गया है रोहतक के अंदर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर रोहतक में डॉक्टर सोनू फोगाट के द्वारा लिखी गई पुस्तक अष्टांग योग का विमोचन किया है। तो ये है सोनू फोगाट। इसके बाद है, हरियाणा के किस बॉक्सर को हरियाणा के सबसे बड़े खेल अवार्ड भीम अवार्ड से नवाजा जाएगा? तो ये नवाजा जाएगा मनोज कुमार को। बॉक्सिंग खेल में देश और प्रदेश का नाम रोशन करने वाले अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अर्जुन अवार्डी बॉक्सर मनोज कुमार को हरियाणा सरकार के द्वारा अब हरियाणा के सबसे बड़े खेल अवार्ड
भीम अवार्ड से नवाजा जाएगा। मनोज गोविंदा धनुष ऑडिटोरियम पंचकुला में होने वाले समारोह में यह अवार्ड दिया गया। ये देश के लिए कॉमनवेल्थ खेलों में दूसरा पदक जीतने वाले भी अब तक के पहले भारतीय मुक्केबाज हैं। मनोज साल 2017 में देश की वेस्ट मुक्केबाज अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं। 2014 में इनको भारत सरकार ने अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया था। इसके बाद है, हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी में 1.10 करोड़ रुपए की लागत से आइडिया लैब स्थापित की जाएगी? तो ये की जाएगी GJU यानी कि गुरु जंबेश्वर यूनिवर्सिटी के अंदर। विशेष प्रोफेसर बलदेव राज कंबोज ने कहा है कि जल्द गुरु जंबेश्वर विश्वविद्यालय में आइडिया लैब की स्थापना हो जाएगी, जिसका सीधा फायदा विश्वविद्यालय व आसपास के महाविद्यालयों स्कूलों के साथ साथ मध्यम एवं लघु उद्योगों को भी होगा। इसके बाद है, हरियाणा के किस जिले में दिव्यांगों को UID कार्ड बनाने की पहल की गई है? तो दिव्यांगों के लिए पहली बार UID कार्ड बनाए जाएंगे, तो ये बनाए जाएंगे रोहतक के अंदर। हरियाणा के रोहतक में अब दिव्यांगों का UID जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर्स कार्ड बनाने के लिए विशेष अभियान चलेगा। यह UID कार्ड दिव्यांगजनों का UID कार्ड देश भर के अंदर जो है वो मान्य किया जाएगा। इसके बाद है, हाल ही में दवा निर्माण फैक्ट्री को ऑनलाइन लाइसेंस जारी करने वाला हरियाणा देश का कौन सा राज्य बना है? तो ये बना है पहला राज्य। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री अनिल विज ने कहा है कि हरियाणा समस्त भारत में पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां दवा निर्माण, रक्त केंद्र इत्यादि के लाइसेंस ऑनलाइन जारी करने वाला हरियाणा प्रथम राज्य बन गया है। दवा बिक्री के लाइसेंस ऑनलाइन जारी करने वाले हरियाणा के अतिरिक्त 3 अन्य राज्य गोवा, दिल्ली और जम्मू कश्मीर हैं। इसके बाद है, भारत के सर्वश्रेष्ठ पशुधन बोर्ड के रूप में किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तो ये है हरियाणा को। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित भारतीय डेयरी उद्योग और तकनीकी एक्सपो 2022 के आयोजन में हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड को प्रदेश में पशुधन को बढ़ावा देने के प्रयासों और उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करने के अलावा भारत के सर्वश्रेष्ठ पशुधन बोर्ड के रूप में सम्मानित किया गया है। इसके बाद है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित विश्व स्तरीय 35वें इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इवेंट्स में हरियाणा के किस मंत्री ने हिस्सा लिया है? तो ये लिया है मूलचंद शर्मा ने। नॉर्वे का उदाहरण देते हुए मूलचंद शर्मा ने बताया है कि इस देश में डीजल पेट्रोल की कोई भी कमी नहीं है, मगर फिर भी नॉर्वे में सार्वजनिक परिवहन सेवा को 90% तक इलेक्ट्रिक मोड पर लाया जा चुका है। इसकी वजह सिर्फ यही है कि नॉर्वे की सरकार ने पर्यावरण संरक्षण को महत्व दिया। परिवहन मंत्री के साथ 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इवेंट्स में भाग लेने के लिए गए थे। इसके बाद है, उत्तर भारत का पहला एनिमल हॉस्टल किस गाँव में बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है उगाड़ा गाँव के अंदर। उत्तर भारत में अपनी तरह का पहला यह प्रोजेक्ट है। एनिमल हॉस्टल के अंदर गांव के बाशिंदे अपने पालतू पशु रख सकेंगे। इसके साथ ही एक बायोगैस प्लांट भी लगाया जाएगा। इसकी सप्लाई पाइप लाइन के जरिए गांव में घर घर तक पहुंचाई जाएगी और खेतों के लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के साथ साथ नाइट्रोजन युक्त पानी से खेतों की सिंचाई की व्यवस्था भी बनाई जाएगी। इसके बाद है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिर के लिए कहां पर साइन बोर्ड बनाने को मंजूरी दी है? तो ये दी गई है बेरी गांव के अंदर। इसके बाद है, हरियाणा राज्य में वर्ष 2022-23 के लिए लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? तो ये बनाया गया है वरुण चौधरी को। फोटो में आप देख सकते हैं, ये है वरुण चौधरी। वर्ष 2022-23 के लिए इस समिति की अध्यक्षता कांग्रेस के विधायक वरुण चौधरी करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने विधानसभा की जिन 13 समितियों का गठन किया उनमें से 11 समितियां वित्त वर्ष 2022-23 के लिए हैं। इसके बाद है, केंद्र सरकार ने हरियाणा में घग्गर व यमुना नदी क्षेत्र में कितने STP संयंत्र लगाने को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी गई है 14 STP संयंत्र। औद्योगिक नगरी पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, गुड़गांव, पलवल आदि जिले दिल्ली से वृंदावन तक यमुना नदी के पानी को प्रदूषित कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से निकलने वाला सीवरेज का बिना ट्रीट किया गया करीब 33.20 करोड़ लीटर पानी यमुना में छोड़ा जा रहा है। इसका खुलासा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की हालिया रिपोर्ट में हुआ है। इसके बाद है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले के रहने वाले दीपक ने 17,352 फीट ऊंची फ्रेंडशिप चोटी को फतेह किया है? तो ये किया गया है रोहतक के रहने वाले दीपक ने। हरियाणा के जिले रोहतक के गांव सैमण निवासी किसान के बेटे दीपक ने पहली कोशिश में ही 17,352 फीट ऊंची फ्रेंडशिप चोटी को फतेह कर लिया है। इसके बाद है, दुबई में आयोजित इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में हरियाणा के किस जिले के बेटे जसप्रीत सिंह ने स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो ये किया है यमुनानगर के रहने वाले जसप्रीत सिंह ने। तो यहाँ पर फोटो में भी आप इन्हें देख सकते हैं। इसके बाद है, हरियाणा के किस जिले में उत्तर भारत का पहला पशुओं का ब्लड बैंक बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है हिसार के अंदर। हिसार के अंदर उत्तर भारत का पहला पशुओं का ब्लड बैंक बनाया जा रहा है। लुआस के पशु क्लिनिक के संचालकों का कहना है कि यहाँ जो ब्लड बैंक बनाया जा रहा है उसके द्वारा जिस किसी जानवर को खून की कमी होगी उसमें खून चढ़ा जाएगा। इस ब्लड बैंक के लिए 90 लाख का बजट जारी हुआ है। वैसे हरियाणा के
हिसार स्थित लाला लाजपत राय पशु विज्ञान और चिकित्सा विश्वविद्यालय में पशुओं के लिए ब्लड बैंक भी बनाया जा रहा है। यहाँ गाय भैंसों से लेकर कुत्ते बिल्लियों जैसे जानवरों को ब्लड प्लेटलेट्स और प्लाज्मा भी चढ़ाया जा सकेगा। तो यहाँ पर हमारे हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में शामिल किए थे। तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और इसी तरह हर महीने हरियाणा करंट अफेयर्स की वीडियो आप देखना चाहते हैं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलेंगे अगले महीने नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल यूट्यूब हिंदी।